डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उसकी कोई ना कोई रीजन है। एक तो आपका जो डाटा है उसके अंदर आउटलेयर्स काफी ज्यादा हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है कि आपके जो हायर एंड के ऊपर या बिल्कुल लोअर एंड के ऊपर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जो वेरिएबल के ऊपर रेटिंग दी हैं, या अगर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और आपका डाटा लेफ्ट स्क्यू हो गया या राइट स्क्यू हो गया। अब एक तो आप पहले ये चेक करेंगे जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो किसी एरर की वजह से नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशंस ही इस तरह से हैं कि वो वाकई एक्सट्रीम डाटा है, वो उसको आप इम्प्यूट नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। पहले तो आपने ये श्योर करना है कि आपका डाटा करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसर्च में आधा से ज़्यादा काम डाटा की करेक्शन है। अगर आपका डाटा सही तरह से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, एनालिसिस के लिए प्रिपेयर हुआ हुआ है, तो आपका आधा समझे काम हो गया। अब अगर आपकी वो वाकई एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं बगैर किसी इशू के, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका किस डायरेक्शन में डाटा स्क्यू हुआ हुआ। अब आप ये देखिए, मैंने एक पीडीएफ है, मैं आज इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि रूल्स क्या हैं आपको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये हमने जो ने बुक से लिए हैं टबैचनिक एंड फिडल 2007 है, और हवल 2007 की बुक में से हमने गाइडलाइंस ली हैं कि अगर तो आपका पॉजिटिवली स्क्यूनेस है आपके डाटा के अंदर। सो पॉजिटिव स्क्यूज का मतलब ये होता है कि जब आप बेल कर्व बनाते हैं तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना उसकी सारी पीक्स होती हैं, राइट साइड के ऊपर एम्प्टी होता है, ये होता है पॉजिटिव स्क्यूड। इसी तरह नेगेटिव स्क्यूड वो होता है जो लेफ्ट साइड के ऊपर एम्प्टी होता है, राइट साइड के ऊपर उसकी पीक होती है। तो अभी मैं आपको इससे दिखाता हूँ किस तरह से होती है, लेकिन आप पहले ये चार पांच जो है ना टर्म समझ लें कि आपने कौन सा जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है डिपेंडिंग ऑन आपकी कि आपकी स्क्यूनेस क्या है। मैं जो आपको आज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा वो मैं रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि मुझे अब ये नहीं पता कि मेरे डाटा में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा स्क्यूनेस है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा डाटा जो ना वो सही प्रिपेयर हुआ हुआ है तो उसके अंदर स्क्यूनेस इतने ज़्यादा नहीं है। तो मॉडरेटिवली अगर आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आप मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट का। अगर आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आप लॉग 10 यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस है और ज़ीरो वैल्यूज़ भी हैं आपके रिस्पोंडेंट्स के अंदर, तो फिर आप लॉग 10 यूज़ करेंगे, और फिर आप उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट भी ऐड करेंगे लॉग 10 के अंदर, जो कि स्मॉलर स्कोर के ऐड करने कॉन्स्टेंट ऐड करने के बाद जो आपका स्मॉलर स्कोर है वो 1 आ जाए। इसी तरह अगर नेगेटिव है तो उसके अंदर आप स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट का जो आपने वेरिएबल है वो आपने माइनस करना है कांस्टेंट से, इस तरह से कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो उसमें से एक स्क्वायर रूट माइनस हो, तो आपके पास लॉग 10 आएगा नेगेटिव स्क्यूनेस का। अच्छा, अब आप इसको देख लेते हैं एसपीएसएस के अंदर, सारे को स्क्रीन नजर आ रही थी एसपीएसएस की। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब एसपीएसएस में हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करना है कि एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। अब फॉर एग्जांपल E6 का मुझे पता है कि ये थोड़ी जो इसकी वो है स्क्यूनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपने जो काम करना है वो आपने जाना है इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मेलिटी कर्व देखने के लिए। उसी तरह से आप जाएंगे जो कल मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, और आपने अपना जो वेरिएबल है E6 वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने उसके स्क्यूनेस और कर्टोसिस की दोनों की वैल्यू चेक कर लेनी है। जब आपने इसको प्लॉट करना है तो उसके लिए आपने नॉर्मेलिटी कर्व जो हिस्टोग्राम के ऊपर है वो आपने सेलेक्ट करना है। आप इसका एक डिस्क्रिप्टिव देख लें आउटपुट के अंदर,
ये हमारा उसने एक डिस्क्रिप्टिव दे दिया है, स्क्यूनेस इसकी -0.905 है, ये ऑलमोस्ट जो है ये एवरेज के ऊपर है, -1 के करीब है। तो अगर हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी तो हम इसकी किस तरह से करेंगे। अच्छा, तो अब ये हमारी आप कर्व में भी देख लें कि जो डाटा है वो नेगेटिव स्क्यूड है, ठीक हो गया जी। अब हम इसके ऊपर जो है ट्रांसफॉर्मेशन रन करके देखते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से रन करेंगे कि इसकी वैल्यूज जो है ना ये -905 की थोड़ी चेंज हो जाए। अब ट्रांसफॉर्मेशन रन करने के लिए आपने क्या करना है, आप दोबारा डाटा व्यू में जाएं, ट्रांसफॉर्म का आप यह बटन देख रहे हैं, एनालाइज के बिल्कुल साथ है ट्रांसफॉर्म का, और इसका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल का, ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब ये मैं रिमूव करता हूँ, ये मैंने पहले किया हुआ है एक लॉग, ठीक है। अब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करती ये है कि आपका जो है ना उस वेरिएबल के अगेंस्ट एक नया वेरिएबल क्रिएट करता है जो कि उसके ऊपर वो हुआ हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है। तो इस सूरत में हम करेंगे, इसको हम रीनेम कर लेंगे E6 ट्रांसफॉर्म, ठीक हो गया जी। अब log10 के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहा, मैं आपको सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है और उससे पहले का रिजल्ट है मैं वो बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर हम फॉर एग्जाम्पल log10 वाला जो है ना अप्लाई कर लेते हैं, बेसिकली पॉजिटिव स्क्यूड के लिए है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अच्छा, log के लिए हम यूज़ करेंगे LG10, और फिर हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर वैल्यूज देनी है उस वेरिएबल की जो हम जिसके ऊपर हम log10 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। सॉरी जी, मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर देख रहा था, अब आ गई सारों को नजर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि जो नया वेरिएबल है इसका हमने नाम रखा है E6 ट्रांसफॉर्म। ये आपका वेरिएबल या जो डाटा विंडो है इसके एंड के अंदर एक नज़र आएगा आपको दोबारा, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये पूरी एक लाइन नई क्रिएट करेगा। जब आपने नाम रख लिया तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल साइन के बाद जो बॉक्स है यहाँ पे आपने log10 लिखना है जो कि LG10 से डिनोट होता है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपने जो वैल्यू है जिस वेरिएबल को आपने ट्रांसफॉर्म करना है आपने वो डालना है। तो यहाँ आप E6 उठा के आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं या E6 लिख भी सकते हैं। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है log10 का ये इस तरह से होगा किसी भी वेरिएबल के लिए। अब ये करेगा क्या कि ये एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा आपके डाटा व्यू के अंदर, ये हो गया। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम E6 के अंदर डैश उठा दें इस वजह से एरर दे रहा है। चलो जी, अब हमने कर दिया ओके। अब अभी हमारी कंप्यूट की जो कमांड है वो रन हो गई। अब हम डाटा व्यू के अंदर जाकर देखते हैं कि हमारा नया वेरिएबल कौन सा क्रिएट हुआ है। इसको हम कर देते हैं क्लियर। अच्छा, ये जो है ना हमारी वैल्यू E6 ट्रांसफॉर्म की लॉग की नई आई है। ओरिजिनल हमारा E6 वाला कॉलम था ये वाला, इसके हमने ऊपर हमने जो है ना वो की है log10 ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हमने देखना ये है कि आया इसकी स्क्यूनेस के ऊपर कोई फर्क पड़ा है ट्रांसफॉर्मेशन से या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जाएंगे, E6 हमारे पहले सिलेक्ट हुआ तो हमें चाहिए कंपैरिजन दोनों का कि पहले और बाद में क्या फर्क पड़ा। एक ये सेलेक्ट कर लेंगे ओरिजिनल, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर उसी तरह से हमने स्क्यूनेस केटोसिस की वैल्यूज सेलेक्ट कर लेंगे और हिस्टोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हमने ओके कर दिया, ठीक हो गया जी। अब ये दोनों की वैल्यूज आ गई E6 की भी और E6 ट्रांसफॉर्म की। अब दोनों का हिस्टोग्राम देख लेते हैं। अब ये आप इसकी शेप से ही देख लें कि ये किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई हुई है। पहले इसकी जो बार्स थी ये जो लास्ट टू वैल्यूज हैं ये दोनों बाहर निकली हुई थी, ये आप देखें कि तमाम अंदर हो गई हैं इसकी वैल्यूज नॉर्मल कर्व के अंदर और बिल्कुल एक कॉर्नर से थोड़ा सा है
नेग्लिजिबल जो है। अच्छा, अब आप इसकी हाइट देखें जो ओरिजिनल E6 वेरिएबल की थी, ये बहुत ज़्यादा बाहर हो गई थी, ऑलमोस्ट 2-3 वैल्यूज बाहर आई हुई थी। यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है ना 1 के करीब रह गई है इसकी वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है उसने हमारे डाटा को नॉर्मलाइज किया है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यूज में। तो जो E6 था उसके हमारे पास स्क्यूनेस था -905, ठीक है। अब मैं आपको ये बताया था कि मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली पॉजिटिव स्क्यूनेस का मैंने टेस्ट अप्लाई किया है इसके ऊपर, इस वजह से इसकी स्क्यूनेस और ज़्यादा हो गई है। तो -905 थी तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 9+9=18 तकरीबन होता है, तो ये जो है ना इसकी वैल्यूज डबल हो गई हैं। तो ये इतना फ़र्क कर देता है कि अगर आपकी नॉर्मलाइज है तो उससे हाफ जो ना आपकी वैल्यू कर देता है, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव आप करना चाह रहे हैं या नेगेटिव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड था, जो कल आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से करना है। अच्छा, अब आप में से मुझे कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके ये ज़रा करके दिखाएँ कि किस तरह से आप करेंगे। गया था, आप वहाँ से भी उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा राबिया के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरह से हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की है। पहले तो ये हम एक फाइल में आपको शेयर कर देता हूँ, तभी आप ये देखिएगा कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं कि अगर आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है तो उसके लिए हमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना चाहिए कि आपका डाटा नॉर्मलाइज हो जाए। तो उसके लिए SPSS का सिंपल प्रोसेस है कि आपने जो वेरिएबल जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल करके नया एक वेरिएबल क्रिएट करेगा SPSS। तो आपने उसका नाम जो नया नाम है वो रखना है, और अगर आप लॉग 10 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो LG10 आपने लिखना है और पैरेंथेसिस में आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और ओके कर देना। उसके बाद आपको एक नई कॉलम की फील्ड देगा SPSS, ये आपने देखा जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, इसमें तमाम लॉग 10 वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद आपने फिर उसका नॉर्मेलिटी कर्व्स देख लेने हैं। ये दिखा देता हूँ कि बिफोर 203 का रिस्पोंडेंट साइज है, आपकी स्क्यूनेस जो है ना वो रेंज में है 0.542, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वर्कशॉप आप इसी के ऊपर लॉग 10 अप्लाई कर दें, नया वेरिएबल क्रिएट करें ताकि हम ये दिखा सकें अपने पार्टिसिपेंट्स को कि बिफोर एंड आफ्टर जो आपका इम्पैक्ट होता है नॉर्मेलिटी कर्व के ऊपर वो क्या होता है। ट्रांसफॉर्म में जाएं, कंप्यूट वेरिएबल, नए वेरिएबल का नाम लिखें, यहाँ पे LG10, ये आप बड़े लेटर्स में लिखेंगे LG10, पैरेंथेसिस, नहीं नहीं आप इसके बाद पैरेंथेसिस, इसके दरमियान आप अपना जो वेरिएबल है वो डालें जो आपने ट्रांसफॉर्म करना है और क्लोज करें इसको, ओके करें। ठीक हो गया जी, आपको ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आप दोबारा डाटा व्यू में आ जाएं। अच्छा, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब दोबारा डाटा व्यू में जाएं। नहीं, एक दफ़ा पहले डाटा व्यू में जाएं ताकि हम उसकी वैल्यूज देख लें कि लॉन्ग 10 में वो हुआ है ट्रांसफॉर्म, नया उसने कॉलम क्रिएट किया है नहीं किया। ये तो आप आउटपुट विंडो दिखा रही है ना, जहाँ पर डाटा है वहाँ पर चूज कीजिएगा। ठीक, देखें जी सारे कि नया उसने एक वेरिएबल क्रिएट कर दी है Q1 ट्रांसफॉर्म के नाम से, इसके अंदर तमाम वैल्यूज जो हैं वो Q1 की हैं, लेकिन उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लॉग 10 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है। अब हम इसको करेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर जो नॉर्मेलिटी का फर्क है वो किस तरह से होगा। वो आप फिर दोबारा फ्रिक्वेंसीज में जाएँ, इस दफ़ा आप दोनों वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, Q1 ट्रांसफॉर्म भी कर लें और ओके कर दें।
नीचे आप आ जाएं उसके ऊपर, एक तो आप यहाँ से भी डिफरेंस देख लें कि क्यूनस और किटोसिस के अंदर जो फ़र्क है वो आपको नज़र आ जाएगा कि 542 पहले था और -122 हो गया बाद में। अब आप नीचे आ जाएं उसके नॉर्मेलिटी कर्व्स के ऊपर, देखें अब आप Q1 की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का टेबल देखें कि किस तरह से वो उसकी उठता, नीचे आ जाएं और फिर देखें कि किस तरह से उठा। ज़्यादातर आपकी वैल्यूज अब सेंटर में आ गई हैं, देखें 2.12 के 2.10 के अराउंड सारी वैल्यूज हो रही हैं, तो उसने स्क्यूनेस जो है उसकी थोड़ी कम कर दी। तो ये मेथड है। थैंक यू जी फातिमा, वेरी वेरी गुड, यू लर्निंग वेरी फास्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है आपके उस डाटा के लिए कि जिसके अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यूज पर्पजली नहीं है या सॉरी रैंडमली नहीं है, तो उसके अंदर आप फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का अप्लाई कर सकते हैं बिफोर रनिंग एनालिसिस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दी मोस्ट फेमस एनालिसिस ऑफ SPSS जो ज़्यादातर आप लोग अपने रिसर्च के अंदर यूज़ करेंगे। दो चार बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि काइंडली ये आप इसकी डिटेल्स में स्टेटिस्टिकल अजम्पशंस के अंदर, इसकी थ्योरीज के अंदर ना पढ़ें। आप बेसिकली उस चीज़ को नोट करें, जो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें कि इस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का मकसद क्या है, आपका आपकी रिसर्च का इसके साथ क्या ताल्लुक है। नहीं महीन, आप जब नया ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि नया कॉलम क्रिएट होता है, ओरिजिनल क्रिएट वो वैसे के वैसा ही रहता है, तो आपका कोई डाटा इसमें ज़ाया नहीं हो रहा, आप नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप आ जाएं अपने एनालिसिस के ऊपर। अभी हमारा ये मीटिंग टाइम भी 3 मिनट तक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको हेड्स अप एक दे दूं। तो अब आप ये स्क्रीन देख रहे हैं इस टाइम स्पेसेस की। तो अब जो हम आपको एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन एनालिसिस है मैं आपको सिर्फ उन्हीं का बताऊंगा, वरना स्पेसेस में एनालिसिस तो बेशुमार हैं, बेयजियन स्टेटिस्टिक्स से लेके मीन कंपैरिजन, जनरल लीडर मॉडल, जनरलाइज लीनियर मॉडल्स, इसके अलावा रिग्रेशन, लॉग लीनियर न्यूरल नेटवर्क, क्लासीफाई। आज जो हम करेंगे, कल मैंने आपको थोड़ा बताया था रिलायबिलिटी स्केल का भी, कि आपका स्केल कितना रिलायबल है, उसको एक्सेस करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है। आज मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इन स्टेटिस्टिक्स के बारे में जो मोस्ट कॉमन है, रिग्रेशन हो गया, नोवा हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, आई थिंक हमारे पास टाइम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ा क्लस्टर एनालिसिस का और फैक्टर एनालिसिस का। मैं आपको अपने डेटा भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप आ जाएं डाटा के अंदर। ये आपका वही ओरिजिनल डाटा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ना, सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास तीन चार ग्रुप्स हैं जिनका आप मीन्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पर मैंने आपको अगले दिन एग्जाम्पल में बताया था फर्स्ट डे के, अगर आपके स्कोर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के क्रिमिनल साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजी में, तीन सब्जेक्ट हैं उनके, तीन स्कोर्स हैं, आपने उसको कंपेयर करना है किसी और स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट के रिजल्ट से और फिर तीन चार और स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो इनको आप आपस में क्रॉस वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि इसमें रैंक कौन सा सबसे ज़्यादा, मीन स्कोर किसका ज़्यादा है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उनका आपस में कितना कोरिलेशन है, तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस के मीन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से उनका जो मीन स्कोर है 50 है अक्रॉस ऑल ग्रुप्स, तो 50 से ज़्यादा किसका है और 50 से कम किसका है, उसकी कर्व किस तरह से बन रही है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होती हैं, ये जो है ना चेक करने के लिए आपको जो पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टूल यूज सॉरी टेस्ट यूज करते हैं हम, उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस। इसमें आप जाएंगे एनालाइज के अंदर, फिर आप पर इसके अंदर आ जाएं कंपेयर मीन्स में। अच्छा, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। एक मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी होता है जिसको हम मैनोवा कहते हैं, जो हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं वन वे एनालिसिस। उसके अंदर आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फैक्टर होता है।
अच्छा जी, अब आपने सिलेक्ट कर लिया वन वे नोवा। अब आपका जो डिपेंडेंट लिस्ट है जिसको आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, आप वो लिखेंगे और जो उसका फैक्टर है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके अंदर मैं फैक्टर जो है ना लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा वर्जन का टोटल स्कोर डिपेंडेंट हो गया, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो, फॉर एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा वर्जन का फर्स्ट फैसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब आप कंट्रास्ट में आ जाएं, ये आप जो है ज़्यादातर इसी तरह से रहने दें। यहाँ पे आपने, सॉरी सर, अब आ रहा जी नज़र आप? चलो ठीक हो गया। इसके अंदर आपने जो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, इस तरह से बल्कि यहाँ से जाएंगे, एनालाइज कंपेयर मींस वन वे एनोवा, और वन वे एनोवा चलेंगे। दोबारा स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई? चलो ठीक। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किस तरह से करना है। आपने एनालाइज में जाना है, एनालाइज के बाद आपने कंपेयर मींस में वन वे एनोवा के अंदर, ठीक है, पोस्ट हॉक में आपने जाके एक ये ट्यूब टू के जो है इसको बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन हैं, अगर आप इसके एग्जम्पशन में चले जाएंगे तो आप इसी भूल भुलाई में रहेंगे, आप अपने काम से जो है ना आप, सॉरी सॉरी, मेरा हमेशा ये ऐसा होता है सर, मेरे पास दो स्क्रीन्स हैं तो वो दूसरी स्क्रीन पे ओपन होता है, तो क्या मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि मैं दूसरी स्क्रीन पे शेयर कर दूँ। ठीक हो गया। अब जो पोस्ट हॉक आ गया, इसमें आपने सिलेक्ट करना है ये 2K का बटन। ठीक हो गया जी। अच्छा, आई थिंक के कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी रह गए हैं, आप देखें अगर किसी का कोई इशू है तो आप उनको भी हेल्प करें। अच्छा, ये 2K सेलेक्ट करके आपने सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 रखना है, यानी आपका जो एरर मार्जिन है वो सिर्फ 0.05 होना चाहिए। अगर आप और भी ज़्यादा, आपका स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है डिपेंडिंग ऑन आपके सुपरवाइजर या रिसर्च का जो भी है, आप 0.01 भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है वो है 0.05 की। आपने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, फिर जब आप ऑप्शंस में जाएंगे, इसके अंदर आपने ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। हमारी जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि जो नॉर्मेलिटी की एग्जम्पशन होती है, इसके अलावा एक और भी एग्जम्पशन होती है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए, और वो होती है होमोजेनाइटी ऑफ वेरियंस टेस्ट, इसको लेविन टेस्ट होता है ये। इसको भी मैं जब आउटपुट आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आपने एनालाइज करना है। चलें ठीक हो गया जी। सब आई थिंक डॉक्टर राबिया मिसिंग है, उनको पहले भी इशू हो रहा था, उन्होंने व्हाट्सएप में लिखा था, तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनसे एक दफ़ा पता कर लें। अच्छा, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और उसको आप कर लें ओके। ठीक है जी, अब ये हिस्सा हमारे पास इनोवा का एनालिसिस आ जाएगा। ये आपका जो डिफरेंट उसके अंदर वैल्यूज़ हैं उसमें बताएगा कि हमारे पास उसकी वैल्यू के अगेंस्ट कितने केसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो 15 जिन लोगों का मीन इसमें स्कोर है वो केस नंबर 88 है और वो सिर्फ एक केस इस किस्म का है। फिर इस तरह से उन्होंने हर केस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसमें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और 5% एरर मार्जिन के साथ उन्होंने जी। फर्स्ट स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मैं स्क्रीन तो शेयर की हुई है। अब देख रही हैं आप? ठीक हो गए।
अच्छा जी, ये आउटपुट जो है ना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का वन वे का आपका हो गया है। इसके अंदर डिफरेंट केसेस की फ्रीक्वेंसीज जो आपने पहले भी टेबल्स देखे थे फ्रीक्वेंसीज में, उसकी तरह का ही होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर अपर बाउंड लिमिट जो होती है 95% के, मैंने आपको बताया था 5% एरर का मार्जिन होता है। देखिए ये बारी बारी सबको स्क्रीन नजर आना बंद हो गई है, बाकी सारों को नजर आ रहा है? कितने लोगों को नजर आ रहा है? आउटपुट वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको? अच्छा जी, अब हो रही है आपको? चलें जी, ठीक हो गया। हाँ जी, मेरे ख्याल से राबिया ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिए। अच्छा जी, अब ये हमारी आउटपुट आ गई एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव्स हैं। अब जो हमारा काम शुरू होता है वो सबसे पहले हमारी जो अजम्पशन है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए अजम्पशन होती हैं कि नॉर्मल होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी डेटा की, और साथ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस होना चाहिए। अब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने बैठूं और एग्जम्पशन में चला जाऊं तो ये कुछ एक सेमेस्टर के पूरा स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है। मैं आपको इजीएस्ट तरीका बता देता हूं जो आपके मतलब का भी है, जो सबसे पहले आपने नोट करना है अपने एनालिसिस के अंदर भी, और आपका मतलब सिर्फ इस एक कॉलम से होगा, ठीक है? और वो है जे कॉलम सिग्निफिकेंस का। देखो कि सिग्निफिकेंस के अंदर आपने देखना है कि हमारा जो एरर मार्जिन था वो था 0.05 हमने रखा हुआ था, लेकिन 95% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल था कि अगर हम ये रिजल्ट रिपीट करें तो हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि हमारे रिजल्ट रेप्लिकेबल हैं और हमें कॉन्फिडेंस है अपने रिजल्ट की इंटेग्रिटी के ऊपर। तो जो एरर मार्जिन है हमारा 0.05 है सिर्फ। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंस है इसकी वैल्यूज अगर आपकी 0.05 से थोड़ी हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो जो होमोजेनिटी की अजम्पशंस हैं वो मीट करती हैं, क्योंकि हमारा एरर मार्जिन 5% से कम है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% जो था, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल था अपनी रिसर्च की रेप्लिकेबिलिटी के अंदर वो हमारा 95% सस्टेन करता है। तो हमारा हाइपोथेसिस जो होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस का है वो अजम्पशन हमारी मीट करी है, इसका मतलब है हम इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपकी हो गई पॉजिटिव टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। ये आपने अपना जो पेपर लिख रहे हैं एपीए के अंदर उसने आपने इसको एक्सपोर्ट करना है टेबल को, और उसके अंदर लिखना है कि हमारी जो है ना अजम्पशन मीट करती है और हम इसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हैं। अब आ जाए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर कि इनके जो मीन्स हैं ग्रुप्स के वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफर करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक हो गया जी? हमने इसके अंदर सिलेक्ट क्या क्या किया था? E1 हमने यूज किया था एक्सट्रावर्जन का फर्स्ट फैसेट एज फैक्टर, और हमारा जो डिपेंडेंट था मैं आपको स्क्रीन दोबारा दिखा देता हूँ। डिपेंडेंट हमारी जो थी वो E1 थी कि जो फर्स्ट फैक्टर हमारा E1 का उसको टोटल स्कोर किस तरह से प्रिडिक्ट करता है, ठीक है जी? अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो आपने अगेन ये इस कॉलम में देखना है कि इसकी जो 0.05 से अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि जो हमारे ग्रुप के मीन्स हैं उसके अंदर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल 95% एग्जिस्ट करते हैं और एरर मार्जिन से कम हमारा मार्जिन है, और देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, ठीक होगा जी? अगर हमारा होमोजेनिटी की वेरियंस का टेस्ट सिग्निफिकेंट ना होता तो फिर हमारा ये रोबस्ट टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मीन्स पॉपुलेट होता, जिसके अंदर हम देखते कि हमारी जो मीन्स हैं उसके अंदर क्या वेरिएंस है, आया कि वो आउटलेयर्स की वजह से है किस वजह से है। तो क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंट पहले ही है कोरिलेशन दो फैक्टर्स के दरमियान, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी रोबस्ट टेस्ट के लिए इक्वालिटी ऑफ मीन्स कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, मीन के प्लॉट्स आप ये देख लें यहाँ नीचे
टोटल की वैल्यू है और या मीन्स ऑफ ए वन है। तो ये आपस में किस किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंट केसेस मैच कर रहे हैं ये आपको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा देगा। ये हो गई, इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस। तो डिफरेंट ग्रुप्स को जो मैच कर रहे हैं तो उसकी किस तरह से होगी। अच्छा, हम इसको अगर इसके अंदर हम और फैक्टर्स ऐड कर लें, लेट्स से कि हम इस दफा हम कर लेते हैं टोटल का हम डिपेंड कर लेते हैं, डिपेंडेंट में डाल लेते हैं, और जो फैक्टर्स हैं E1 to E6 वो थिंक इसके अंदर वन वे ही आएगा, बाय वेरिएट एनालिसिस होगा। ठीक है जी, तो उसको जो नाम कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज हम सेम रहने देते हैं। अब देखते हैं कि टोटल पे क्या इफेक्ट होता है। जी, मैं रबिया में बता देता हूँ कि मेन का क्या पॉइंट है। मैंने आपको फर्स्ट एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपने उसको कंपेयर करना है दूसरे ग्रुप के ऑब्जर्वेशन के साथ, उनके मीन्स कंपेयर करने हैं कि इनके जो मीन स्कोर्स हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। पहले आपने तीनों ग्रुप्स का के क्रॉस उनकी एवरेज लेनी है और उस एवरेज के अगेंस्ट आपने करना है ग्रुप मीन्स को कंपेयर कि कौन सा ग्रुप उस मीन से कम है कौन सा ज़्यादा है। और इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस, के जो ना उस मीन से कितना वेरी कर रहा है आपके एक ग्रुप का मीन स्कोर। ठीक है जी, अब दोबारा इस एग्जांपल के ऊपर आ जाएं कि अब हमने जो है वो टोटल स्कोर एक्सट्रावर्जन का कैलकुलेट किया है और हमारा पास ये डिपेंडेंट फैक्टर में था और इनडिपेंडेंट फैक्टर हमारा था जो फर्स्ट एक्सट्रावर्जन का फैक्टर था। तो दोबारा यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए फर्स्ट एक्सट्रावर्जन के फैसेट जो हम यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल टोटल एक्सट्रावर्जन के स्कोर के ऊपर। आई थिंक इसको मैं रन कर लेता हूँ दोबारा। जी, हमारे पास आ गया जी टेबल। अच्छा, अब आप इसके देख लें कि जो हमारा सिग्निफिकेंट स्कोर था टोटल को प्रेडिक्ट करने के लिए 0.05 का हमने एरर मार्जिन रखा होता। इसमें देखें कि जब हम टोटल प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक्सट्रावर्जन वन के साथ तो हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 से ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है ऑफ वेरियंसिस है ये उसकी अजम्पशन मीट नहीं कर रही, वेरियंस एग्जिस्ट नहीं करती हमारे एक्सट्रावर्जन टोटल स्कोर के अंदर, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा दूसरा वेरिएबल इसको। तो फिर हम जो है ना इसके रॉबस्ट टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मीन यूज करेंगे, फिर हम अपना डाटा व्यू करेंगे कि इसके अंदर डाटा के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज तो नहीं है, मीन्स इतना क्यों डिफर कर रहा है। उसके अंदर फिर बहुत सारी मल्टीवेरिएट टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद जो हमारा एनोवा का स्कोर है, जो कोरिलेशन है बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स जो मीन्स हैं वो 0.000 है, यानी इसका मतलब है कि हमारा जो सिग्निफिकेंस है एनालिसिस ऑफ वेरियंस की वो होल्ड करती है कि इनके दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है फर्स्ट फैक्टर ऑफ एक्सट्रावर्जन के अंदर और एक्सट्रावर्जन टोटल स्कोर के अंदर। ठीक है जी, इसको आप इस तरह से प्लॉट भी कर सकते हैं, ये आपका प्लॉट ग्राफ आ जाएगा। क्लियर हो गया जी? अब मुझे कोई आप में से ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं कि आप किस तरह से करेंगे। आपने आउटपुट वाली विंडो शेयर की है, आप मुझे अपना डाटा दिखाएंगे। अच्छा, डेटा व्यू में जाएं, आप डेटा की वैल्यूज दिखाएंगे। अच्छा, ये वही डेटा है जो मेरे ख्याल से आपको मैंने दिया है, डेमो डेटा के अंदर है। इसके अंदर आप एनालाइज में दोबारा जाएं, कंपेयर मीन्स वन वे नोवा,
अच्छा, ये आपका डाटा लोड क्यों नहीं हो रहा? आप इस देखें, ये फाइल दोबारा इंपोर्ट करके देखें ज़रा। अच्छा, कोई मसला नहीं है जी। हाँ जी, आप अपना डाटा यूज़ कर लें फातिमा। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो, कोई आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी भी चीज़ के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये भी नहीं कि आज की हो उससे पहले हो, आप किसी भी पॉइंट के पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फैक्टर सिलेक्ट करें, नीचे नीचे फैक्टर्स, आप जो किस चीज़ से प्रेडिक्ट करना चाह रही हैं Q1 को, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप थोड़ा ऊपर जाएं, आप कोई इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज आप सिलेक्ट कर लें एज डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर वो क्वेश्चन, हाँ जी, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस कर लें और Q1 का किसी तरह से रहने दें, कोई मसला नहीं। नहीं, डिपेंडेंट एक ही रखें ताकि थोड़ा इजी हो जाए, एज कर लें या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कर लें, ठीक हो। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये आपके डिस्क्रिप्टिव आ गए। टोटल आपका सैम्पल साइज 203 था। नीचे आ जाएं, टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी ऑफ वेरिएंस देख लेते हैं, ठीक है जी, ये भी सिग्निफिकेंट है आपका, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी सिग्निफिकेंट है, ठीक हो गया। मीन्स ऑफ प्लॉट्स देख लें, सही हो गया। देखा जी आपने, ये कितना ईजी है, आपने सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरियंस के अंदर जाना है, वन वे एनोवा करना है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। नहीं फातिमा, ऐसा कोई मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर में तो इशू हो ही जाता। तो हमारा जो ना बेसिक पॉइंट ये है कि हम अपने एनालिसिस के हवाले से समझें कि हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, उसका बेसिक मकसद क्या है। हर
ऑप्शन के अंदर जाना जो है ना बहुत, एक तो प्रॉब्लमेटिक भी है, लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा लंबी है। वो तो अगर आप रिसर्चर हैं और आप प्रोफेसर हैं और आपका मतलब प्रोफेशन ही ये है, फिर तो आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको हर ऑप्शन का बता तो सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो आपको आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट अपने एनालिसिस के ऊपर। दी मोस्ट फेमस हमारा जो एनालिसिस होता है, रिग्रेशन एनालिसिस। बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और रिग्रेशन एनालिसिस में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट फैक्ट ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस आप उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट करते हैं मल्टीपल फैक्टर के साथ। एनोवा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ उसमें क्या फ़र्क था, कि जो हमारा फैक्टर था, जो हम प्रिडिक्टिंग फैक्टर था, वो सिर्फ एक था। ये बायवेरिएट टेक्निक है, एक डिपेंडेंट और एक जो है ना इंडिपेंडेंट। जो हमारा रिग्रेशन है उसके अंदर हम मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं रिग्रेशन के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा लीनियर रिग्रेशन के बारे में बता दूं कि जो वन ऑन वन रिग्रेशन होती है वो किस तरह से होती है। अब ये देखें, इसके अंदर डिपेंडेंट एक है और इंडिपेंडेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कि जितने मर्जी आप वेरिएबल्स एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे प्रिडिक्ट करने के लिए एक वेरिएबल को, तो उसके अंदर हम, सॉरी मैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एनालाइज में जाके आपने रिग्रेशन में जाना है। पहले देखते हैं कि इस तरह से डायलॉग बॉक्स पॉप अप होगा। फॉर एग्जांपल हम सारे एक्सट्रोवर्ट्स के फैक्टर ले लेते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं इंडिपेंडेंट के अंदर, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टोटल स्कोर एक्सट्रोवर्जन का। ठीक है। अच्छा, इसको आप डिफरेंट वेरिएबल्स की मदद से केस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एज वाइज इसको करना चाह रहे हैं, अगर एज का यहाँ पे होता फैक्टर तो आप उसके वाइज भी इसको वेट कर सकते थे। में बहुत सारी टेक्निक, अच्छा इसके मेथड भी डिफरेंट हैं, स्टेप वाइज है, रिमूव है, बैकवर्ड है। इसकी अगर आपको डिटेल पढ़नी हो तो आपको जो मैंने बुक शेयर की थी, बायवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस बाय रेबेका वार्नर, और दूसरा मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस बाय जोसेफ जोसेफ फेयर, तो ये इन दोनों के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल भी है, मैथमेटिकल फार्मूलाज भी हैं। अगर आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन एज सच इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप आ जाएं स्टेटिस्टिक्स के अंदर। जब स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप ये जो मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सिलेक्ट कर लें, एस्टिमेट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मॉडल फिट, आर स्केल चेंज एंड डिस्क्रिप्टिव। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल वैसे ही करें, मजीद ऑप्शन का खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको इंटरप्रेट भी वो करने पड़ेंगे, और वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका रेलिवेंट कौन सा और कौन सा नहीं। ठीक है जी, कंटिन्यू कर दें। प्लॉट्स में इस तरह से आएगा, हिस्टोग्राम और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को क्लिक करें, इसके अलावा सब रहने दें। ठीक है जी, ऑप्शंस के अंदर चेक कर लें कि ये वैल्यूज हों, एंट्री में 0.5, और रिमूवल मेथड यूज़ करें और कंटिन्यू करें। ठीक है जो जी, ओके कर लें। अब ये आ गए थे हमारे पास रिग्रेशन मॉडल। अब हमारे पास वेरिएबल कितने थे, 6। हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं टोटल स्कोर ऑफ एक्सट्रावर्जन बेस्ड ऑन 6 फैसेट्स ऑफ एक्सट्रावर्जन। अच्छा, हर इसके अंदर मेथड के अंदर कोरिलेशन होगा एक वेरिएबल का दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल एक्सट्रावर्जन का जो फर्स्ट है कोरिलेशन, वो टोटल स्कोर के साथ 830 है, 0.830। जो एक्सट्रावर्जन का, अच्छा ये देखें कि जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में कोरिलेशन हमेशा 1 होगा, परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि जारी बात है सेम वैल्यूज हैं। E2 के साथ 0.719, E3 के साथ 0.534, और इस तरह से ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, ये पूरा आपको एक कोरिलेशन मैट्रिक्स दे देगा। अब उन्होंने ये बताया कि कौन से जो वेरिएबल्स हमने एंटर किए हैं, ये E1 से लेके E6 तक जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और मेथड हमने सेलेक्ट किया था उसका एंटर मेथड से हम रिग्रेशन एनालिसिस निकालेंगे। ठीक हो गया जी, जहाँ आपके मॉडल समरी आ जाएगी।
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वन होती है वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो आपने यूज़ किए हैं। इसके अंदर हमने 6 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो 6 की आएगी। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर आपको एनालिसिस ऑफ वेरियंस के टेबल भी वो देगा कि किस तरह से आपने एनालिसिस ऑफ वेरियंस को यूज़ करना है। वो आपको बता देगा कि वेरियंस की लेवल कितनी सिग्निफिकेंट है और कितना नहीं है। और फिर आपको एक कोफिशिएंट्स दे देगा स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज। इसको आपने ये देखना होगा कि कितना परसेंट जो वेरिएबल है वो वेरिएंस का बायस बन रहा है हमारे फाइनल मॉडल के अंदर। ठीक है, रेसिडुअल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको ये बताएगा कि इसकी जो फ्यूचर प्रेडिक्टिव एबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, अब ये प्रेडिक्टेड वैल्यू मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। बेसिकली रिग्रेशन आपको यह बताता है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये कितना परसेंट हर वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहा है वेरिएंस के अंदर फाइनल स्कोर्स के। लेट्स से कि हम एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हमने एज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एजुकेशन, इन सब से हमने प्रेडिक्ट करना है किसी बंदे की लाइफ सेटिस्फैक्शन का स्कोर। अब हमारे पास 4-5 वेरिएबल्स हैं और हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि इसका आउटकम जो है ना वो क्या होगा लाइफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर। अब हम उन सारों के वैल्यूज ले लेंगे किसी क्वेश्चनर के जरिए, या जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो हम उनसे पूछ के ले लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, एक हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी बंदे के लाइफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर। अब जो एनालिसिस हम यूज़ करेंगे